हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने एक्शन स्टार अजय देवगन अपनी नई फिल्म मेडे ई 2022 पर लाने का ऐलान कर चुके हैं। इस फिल्म में उनके साथ अमिताभ बच्चन और रकुल प्रीत सिंह दिखाई देंगे। फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है। फिल्म मेडे के लिए अमिताभ बच्चन और अजय देवगन ने सालों बाद हाथ मिलाए हैं, जिस कारण फैंस इसके लिए काफी एक्साइटेड है। मेडे की रिलीज के ऐलान से ऐसा लग रहा था कि ये सिनेमाघरों में धांसू कमाई करेगी, क्योंकि ईद के मौके पर दर्शक सिनेमाघरों में जाना खूब पसंद करते। लेकिन हीरोपंती 2 की रिलीज के ऐलान के बाद ट्रेड एक्सपर्ट्स में खलबली मच गई। टाइगर श्रॉफ और तारा सुतारिया की अपकमिंग फिल्म हीरोपंती 2 भी ईद के मौके पर ही बॉक्स ऑफिस पर आएगी। ट्रेड एनालिस्ट का कहना है कि अब मेडे को ईद पर होने वाला बिजनेस टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती से बांटना होगा। टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती 2 में तारा सुतारिया अहम किरदार में नजर आएंगी। इसका डायरेक्शन अहमद खान कर रहे हैं। खबरें हैं कि साजिद नाडियाडवाला ने हीरोपंती 2 को बहुत बड़े स्तर पर बनाने का फैसला किया है और टाइगर श्रॉफ भी इसमें जबरदस्त एक्शन सीन्स करते नजर आएंगे। खबरें हैं कि टाइगर ने हीरोपंती 2 के लिए खास तरह के एक्शन सीक्वेंस डिजाइन करवाए हैं, जो उनके दर्शकों ने अब तक नहीं देखे। हाल ही में ट्रेड एक्सपर्ट अक्षय राठी ने बताया था कि बड़े इवेंट पर दो फिल्में आराम से रिलीज हो सकती हैं। हर साल इतनी फिल्में रिलीज होती हैं, ऐसे में क्लैश टालना नामुमकिन है। बात करें मेडे की तो ये फिल्म भी एक्शन से भरपूर होगी। इस फिल्म को प्रोड्यूस अजय ही कर रहे हैं और इसे डायरेक्ट भी वही कर रहे हैं। फिल्म में यूट्यूबर कैरे मिनाटी को लेने की चर्चा है, जिसकी वजह से ये फिल्म और भी ज्यादा चर्चाओं में है। बता दें बॉक्स ऑफिस पर हर साल कई फिल्मों की टक्कर होती है और अब टाइगर श्रॉफ ने सीधा सीधा अजय देवगन को खुली चुनौती दे दी है। ऐसे में देखने वाली बात अब ये होगी कि बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ में से कौन ज्यादा कमाई कर पाता है। आप ईद पर मेडे और हीरोपंती 2 में से कौन सी फिल्म देखेंगे, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।